नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उड़ीसा की कुछ खास खबरों की। उड़ीसा के कटक में ब्लू स्टार बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप। कटक बादामबाड़ी स्थित ब्लू स्टार बिल्डर से अवैध खरीदी ना करें, यह कहना है मां चर्चिल गोल्ड स्टोरेज प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर कृष्ण लाल अग्रवाल का। यहां आयोजित प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कटक भुवनेश्वर के मुख्य मार्ग पर स्थित मधुबन में ब्लू स्टार बिल्डर दोबारा मां चर्चिल गोल्ड स्टोरेज की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। इस बिल्डर के प्रमुख पिंकी प्रधान ने जबरदस्ती कब्जा कर कई लोगों को जाल में फंसाया है और करोड़ों की हेराफेरी करने के जुर्म में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर मधुबन में जमीन लेना चाहते हैं या लिए हुए हैं तो वह जरूर जांच कर लें, वह भी अवैध होगा। उपस्थित राहुल भरदिया से खास बातचीत में बताया कि जमीन का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट पिंकी प्रधान ब्लू स्टार बिल्डर के मालिक के पास नहीं था, जिसके कारण वह आज जेल में है। कटक से स्वदेश कुमार सिंह के साथ सुधाकर कुमार शाही की रिपोर्ट। मेरा नाम राहुल भरदिया है, मेरी कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कंपनी का नाम है माँ चर्ची का कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड। ये कटक में स्थित है, कटक में है कंपनी। 2000 से ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारा एक जगह है 1.88 एकड़ बारन में, जिसको पिंकी प्रधान ने कब्जा कर रखा है। ये कंपनी का नाम है ब्लूस्टर। ये हमारी जगह को दिखा के बहुत सारे लोगों को प्लॉटिंग करवा रही है, उनका इस जमीन पर कोई भी ओनरशिप नहीं है और ये लोगों से एडवांस बुकिंग लेनी है। जो हम लोग चाहते हैं कि लोग अपना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कर लें, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए देखें, क्योंकि इस लैंड के ऊपर उनका ओनरशिप कुछ भी नहीं है। तो इसके वजह से बहुत सारे लोगों का हार्ड एंड मनी जो है वो फंस जाए। हम लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि एज अ आपका परिश्रम करके जो आप पैसा कमाए हैं वो आपका व्यर्थ ना जाए और आप कोई भी लिटिगेशन में ना घुस।